हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ डायबिटीज़ के बारे में। जी बिल्कुल, शुगर। जैसा कि हम रोज़ बरोज़ सुनते आ रहे हैं कि शुगर का इलाज और शुगर का कंट्रोल कैसे किया जा सके, आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करूँगी और आपको बताने की कोशिश करूँगी डायबिटीज़ क्यों और कैसे होती हैं और इससे निजात कैसे मिल सकती है। अगर आप लोग इंसुलिन भी लगाते हैं तो वो भी आप लगाना छोड़ देंगे इंशाल्लाह। चले जी शुरू करते हैं। डायबिटीज दो किस्म की होती है। नंबर एक, जो कि नौजवानों में होती है या ये बच्चों के अंदर होती है। ये जब भी जिसको लाहक होती है उसकी प्रेजेंटेशन ये होती है कि वज़न की कमी होती है, बहुत ज़्यादा प्यास का लगना और बहुत ज़्यादा पेशाब का आना। ये वो अलामत हैं जिसमें हमें सोचना चाहिए कहीं डायबिटीज तो नहीं है। नंबर दो, जो कि एक आम इंसान के अंदर शुगर होती है और इसको इसका पता तब चलता है जब उसके अंदर शुगर की मकदार बढ़ चुकी होती है और यहाँ तक कि नौबत आ जाती है कि वो इंसुलिन लगवाने पर मजबूर हो जाता है। आज मैं कोशिश करूँगी आपकी इस बीमारी से जान छूट जाए। आपने दो काम करने हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपने नुस्खे की जानिब। पहला काम आपने ये करना है कि अपनी डाइट में सलाद वेजिटेबल को आम करें, गोश्त वगैरह को हाथ भी ना लगाएं। एप्पल विनीगर यानी कि सेब का सिरका अपनी खुराक में शामिल करें और वॉक लाजमी करें। दूसरा काम आपने ये करना है कि रात को कम खाएं और खाना खाने के बाद फ़ौरन सोने के लिए ना जाएं, बल्कि थोड़ी सी वॉक भी करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चले चलते हैं अपने नुस्खे की जानिब। आपने करना है ये है, तीन चीज़ें लेनी है और इन चीज़ों का आपने पाउडर बनाना है और तीनों चीज़ों को हम वज़न लेना है। कड़वे जौ 50 ग्राम, बादाम देसी 50 ग्राम, चने 50 ग्राम। आपने ये सारी चीज़ें हम वज़न लेकर इसका पाउडर बना लेना है। उसके बाद सुबह खाली पेट सादे पानी के साथ एक चम्मच का चौथा हिस्सा आप इसको खा लें और इसके खाने के आधे घंटे बाद आपने नाश्ता करना है। इंशाल्लाह 15 दिन में आपकी शुगर ख़त्म हो जाएगी। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह निगेबान। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।